આચરોદ લિંબાયતના મંસૂરી હોલ ખાતે લેક યુનિસ લતીફોરાવાલા ટ્રસ્ટ, ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, રાંદેડના એજે ગ્રુપ તેમજ હકીમજી લીગલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 800 જેટલી અનાજની કીટ વિતરણ કરાઈ હતી, જેમાં 800 જેટલા લિંબાયતના ખારીપુરમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના ઘરોમાં ટોકન આપીને લોકોને કીટ વિતરણ કરાઈ હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમમાં લેટ યુનિસ લતીફોરાવાલા ટ્રસ્ટના પ્રેસિડેન્ટ જુનેદભાઈ ઓરાવાલા તેમજ એજે ગ્રુપના આસિફભાઈ પ્રેસ તેમજ ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના જાવીદભાઈ દેનદેન અને હકીમભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની સાથે સામાજિક કાર્યકર્તી મહિલાઓ પણ ઉપસ્થિત રહી હતી, જેમના હસ્તેથી લોકોને કીટ વિતરણ કરાઈ હતી. જી, મેરા નામ દેનદેન જાવેદભાઈ સબીરભાઈ. હમ ખિદમત ગ્રુપ ઓર લેટ યુનિસ લતીફ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ, એજે ગ્રુપ ઓર હકીમજી ફાઉન્ડેશન ગુડવિલ ગ્રુપ, ये तमाम ग्रुप के सहाय से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम हुआ है. कितनी कीट और कितने लोगों को दी गई? आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 750 लोगों को अनाज की कीट दी गई. अनाज की कीट में क्या? अनाज की कीट के अंदर ऑयल था, राइस थे, चाय पत्ती थी, रोजमर्रा की जो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें थी. अच्छा, कौन से इलाके के लोगों को ये दी? ये जो अभी लिंबायत मिट्टीखाड़ी एरिया के अंदर जो खाड़ीपुर आया था, पानी आया था, उस एरिया के अंदर अपने खास करके फुलवाड़ी एरिया, कमरू नगर एरिया और बैठी कॉलोनी एरिया, ये एरिया के अंदर जिनके घरों में तीन तीन चार चार फुट पानी था, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. आज के अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में हमारे सबसे जो खुशी सी मेहमान हाजी जुनेद ओरावाला, जो लेट यूनिस लतीफ ओरावाला के प्रेसिडेंट है, सबसे ज्यादा अहम भूमिका उन्हीं की है और उन्हीं की मातहती के अंदर खास करके ये प्रोग्राम हुआ है. और जहीर हकीम जी है, फिर आसिफ भाई प्रेस है और जो पूरा सिस्टरों का लेडीज जो ग्रुप है, ये सारे ग्रुप अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर थे. क्या मैसेज दोगे लोगों को? ये मैसेज देंगे कि वाकई में ये जो मानवता का काम आज हुआ है, लोगों को इंसानियत का काम हुआ है, तो लोग जो भी ऐसे परेशान है, इनके जो है घरों के ऊपर जाकर के इनकी परेशानी सुन करके अपनों से जो भी हो सके, तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि उन तमाम तक ये खिदमत का काम, सेवा का काम, मानवता का काम, इंसानियत का काम करें. ब्यूरो रिपोर्ट, LK स्टार न्यूज, सूरत.